आगे बढ़ रहे हैं। केंद्र सरकार देश के युवाओं के लिए रोजगार मेले का आयोजन कर रही है। इसी कड़ी में ग्वालियर में रोजगार मेला लगा, जिसमें केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया शामिल हुए। ये कार्यक्रम टीकनपुर के बीएसएफ एकेडमी में हुआ। इस मौके पर सिंधिया ने 203 युवक युवतियों को बीएसएफ में नियुक्ति के पत्र सौंपे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने कहा कि 2023 तक 10 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देने का लक्ष्य रखा गया है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है रोज़गार मेले में, और सर जो ज्वाइनिंग लेटर है बीएसएफ का वो यहाँ पे लेने आया था साथ में। हाँ सर, मतलब अपनी देश सेवा करनी है, बचपन से ही शौक था थोड़ा सा, और यहाँ पे सर क्वालिफाई किया है। मेरा बीएसएफ में चयन हुआ है एसएससी के थ्रू, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हो रही है। शुरू से यही सोचती क्योंकि मेरा जो फैमिली बैकग्राउंड है सब लोग पुलिस में हैं, आर्मी में हैं, बट लड़की कोई नहीं गई थी। बट पीएम मोदी को मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि उन्होंने हमको एक चांस दिया, और इतनी जल्दी कोरोना महामारी के बाद भी हम लोगों को थोड़ी आस छूट गई थी कि हम क्या करेंगे, और अच्छा लग रहा है बहुत नियुक्ति पत्र लेकर के। हमारा लक्ष्य है कि दिसंबर 2023 तक 10 लाख हमारे युवाओं और युवतियों को ऐसे नियुक्ति पत्र भारत सरकार के अनेक एजेंसियों के द्वारा दी जाएंगी, ताकि राष्ट्र के विकास और प्रगति में उनका भी योगदान हो पाए। प्रधानमंत्री जी ने बड़े विवरण में बताया है कि क्षमताओं का हमारा जो देश है विश्व स्तर पर, पूरा विश्व आज भारत की तरफ देख रहा है आकांक्षाओं के साथ। संकट का समय आता है तो भारत ही समाधान और उपाय निकाल के लेके आता है प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। चाहे वैक्सीन मैत्री की हम बात करें, चाहे ऑपरेशन गंगा की हम बात करें, ऐसे अनेक उदाहरण हमारे सामने। तो भारत माता की सेवा में आज हमारे नौजवान पूर्ण रूप से संकल्पित होकर आगे बढ़ेंगे, इसी विश्वास के साथ इन सभी नौजवानों को मैं बधाई और शुभकामनाएं भी देना चाहता हूँ।